हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रियल देसी तड़का में स्वागत है। आज मैं बिल्कुल देसी स्टाइल आलू दम की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी सी रेसिपी है ये। यूपी बिहार में जैसे आलू दम बनता है वैसी ही आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो, देसी स्टाइल आलू दम को बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन होगा, जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगी वो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, देसी स्टाइल आलू दम को बनाना। देसी स्टाइल आलू दम बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छिल करके अच्छे से धो लीजिए, मोटे मोटे पीस में इस तरह से कट कर लीजिए कच्चे आलू को। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया है, 5 हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और ढेर सारे धनिया के पत्ते लिए हैं। इन सबको एक साथ पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी यहाँ पे साथ में पीस सकते हैं, और अगर आपके पास पेस्ट है तो आपको कोई जरूरत नहीं है। चलिए पहले इनको पीस लेते हैं। आलू दम बनाने के लिए कढ़ाई में 4 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो, अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते तो। ऑयल गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जीरा हो चुका है इसमें, अब जो पेस्ट बना के रखी थी वो डाल दूंगी। फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिर्ची और धनिया पत्ते का जो पेस्ट था वो डाल दिया मैंने, अब इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप प्याज और मिर्ची धनिया के साथ ही थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 5-6 लहसुन की कलियों को पीस दीजिए साथ में। अब इनको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 5-6 मिनट के लिए। एक चम्मच मेरा होममेड मसाला है, ये डालूंगी, इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर, और अगर आप रखे हो तो थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। इनको मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप स्किप कर देना, तो आप स्किप कर सकते हो। आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा लाल मिर्च डाली हूँ इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अब इन सबको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए और पकाएंगे। 3-4 मिनट के बाद इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाला डालेंगे। अब इनको मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए इनको और पका लेंगे। 3-4 मिनट बाद इसमें जो आलू कट करके रखा है वो डालूंगी। सारा आलू डाल दिया, अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से मसाले के साथ, इसको ढक देंगे और पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। मसाले के संग आलू को मिक्स कर दिया है, अब इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में आलू को चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। अगर मसाला नीचे पकने लगे तो इसमें डालिए थोड़ा सा पानी और इसको मिक्स करके हाई फ्लेम पर पकने देंगे। ढक करके इसको पकने देंगे। फ्लेम आप चाहो तो थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर सकते हो। ये देखिए ये रेडी हो चुका है लगभग। आलू भी पक गया है, आप इस तरह से तोड़ के देख सकते हो। ये देखिए अच्छे से पक चुका है। अब इसमें डालेंगे ढेर सारे धनिया के पत्ते, ऊपर से धनिया के पत्ते डालेंगे और इनको मिक्स कर देंगे।
फ्लेम को हाई करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चलाते हुए इसको पका लेंगे, भूज लेंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा देसी स्टाइल आलू दम। चलिए इसको सर्व करते हैं। बिल्कुल देसी स्टाइल आलू दम हमारा रेडी है। इसको आप रोटी के संग, चावल के संग, पूरी के संग सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत सिंपल है इसको बनाना। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है गाइस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और खूब सारा शेयर भी कीजिएगा। अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं, और अगर आपको आगे और भी ऐसी ही रेसिपीज देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी वीडियोज का नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।